रहस्यमय जीवों के लिस्ट में टॉप पर अपनी जगह बनाने वाले वैम्पायर हमेशा से ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बने हुए हैं। हम सब ने वैम्पायर से जुड़े अनगिनत सीरियल्स और फिल्में देखी हैं। इतिहास में भी इनसे जुड़ी काफी सारी कहानियां दर्ज हैं। इतनी ज्यादा कि कई बार ज़ॉम्बीज़ की मूवीज भी कम पड़ जाए और वैम्पायर्स को लोगों ने भी ओवर द पीरियड काफी ज्यादा पसंद किया है। जब मैं बच्चा था और मुझे नहीं पता था कि रहस्यमय जीव किन्हें कहा जाता है और वो क्या होते हैं, तब अक्सर मैं टीवी पर एक सीरियल जिसका नाम प्यार की एक कहानी था उसे देखा करता था, जो कि एक वैम्पायर लव स्टोरी पर बेस्ड थी। मुझे किसी चीज से भी ज्यादा ये सीरियल पसंद था क्योंकि इसमें वैम्पायर्स थे जो कि रात में निकलते थे और काफी एक्शन वगैरह देखने को मुझे मिलता था। खैर, आज तो वैम्पायर की जगह मेरी पहली पसंद ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, पर वैम्पायर्स अभी भी मेरे टॉप के लिस्ट में शामिल है। और इसकी वजह यही है कि वैम्पायर्स को काफी ज्यादा पावरफुल हमेशा से दिखाया जाता है और वो ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिलेटेबल भी फील होता है। सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप में एक देश है जिसका नाम सर्बिया है। सर्बिया का जिक्र मैंने वेयरवुल्फ वाली वीडियो में भी करा था और इस वीडियो में भी मैं करने वाला हूँ। क्या आपको पता है इकलौता सर्बियन शब्द जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि वैम्पायर है। वैसे तो वैम्पायर शब्द के अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग वेरिएशंस हुए हैं और भारत में इन्हें पिशाच कहा जाता है, पर वैम्पायर जो कि वैम्पियर शब्द से निकला है वो मेनली सबसे पहले सर्बिया से आया है। और आज मैं वैम्पायर से ही जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में और सावा सेवनोविक से जुड़े श्राप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और हम आज के वीडियो में एक ऐसे ही स्टोरी को जानेंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी समय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। तो कौन सी है वैम्पायर की वो रहस्यमय और खौफनाक घटना? उस सर्बियन अर्बन लेजेंड में ऐसा क्या था जिसने लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया था? सावा सेवनोविक कौन था और इससे जुड़ी ऐसी क्या कहानी है जो पूरे यूरोप में काफी ज्यादा प्रचलित है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। सन 1700 में सर्बिया के पहाड़ों में जारोजे गांव में रोजारिका नदी से सटे एक पुराने से जर्जर हो चुके वाटर मिल में झोपड़ी बनाकर एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम सावा सेवनोविक था। वो एक तरह का व्यापारी था जो स्वभाव में काफी ज्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और साथ में ही काफी ज्यादा चालाक भी था। वहीं दिखने में काफी ज्यादा कमजोर, दुबला पतला सा एक फकीर जैसा दिखता था। वो अक्सर ही लोगों को सूरज ढलने के बाद नजर आता था और लोग उसके वाटर मिल में अनाज पिसवाने आते थे, पर कोई भी उसके यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रुकता था क्योंकि उसे देखने से ही लोगों को एक काफी निगेटिव वाइब आने लगती थी। खैर, बातें ऐसी भी गांव में फैल गई थी कि वो लोगों को जालसाजी और चीटिंग करके लूटता है, जिस वजह से लोग उससे दूरी बनाने लगे। पर गांव में एक दूसरा व्यापारी भी था जिसकी एक बेटी थी जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। चूंकि ये बात सन 1700 की है तो वहाँ आज की तरह कोई शावर वगैरह नहीं होता था, तो अक्सर सभी लोग तालाब और नदियों के पास जाकर नहाया करते थे और उस व्यापारी की बेटी भी अक्सर उसी नदी में नहाने जाती थी। और इस क्रम में एक बार सावा की नजर उस लड़की पर पड़ी और वो उसकी खूबसूरती से उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने बाद में उस लड़की के पापा से इस रिश्ते के बारे में बात करी, पर चूंकि सावा गाँव में बहुत ज्यादा बदनाम था तो कोई भी उससे किसी तरह की रिश्तेदारी नहीं रखना चाहते थे। इतने ज्यादा बुरी तरह से लोगों के रिजेक्शन को देखने की वजह से वो काफी ज्यादा अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो उस लड़की का पीछा करने लगा और उसने उस लड़की को भगाकर ले जाने की भी कोशिश करी। उसी दौरान जब तक उन दोनों में कहा सुनी हो रही थी, उतने ही देर में पुलिस वहां आ गई और उन्होंने सावा को गोलियों से भून दिया और पीट पीट कर काफी ज्यादा घायल कर दिया और उसे उसी जगह पड़ा हुआ छोड़कर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद गांव वालों को उसकी लाश मिली और सरप्राइजिंगली वो काफी ज्यादा जख्मी था और उसके गर्दन में दो बहुत अनयूजुअल तरीके से स्पॉट दिखे। बिल्कुल इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका खून पीकर उसे मार डाला हो। फिर उसके शरीर को पास के इलाके में ही दफना दिया गया और यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा भयानक हो गई। हर दिन एक चीख की आवाज सुनाई देती और जो भी सूरज ढलने के बाद उस वाटर मिल के पास जाता वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। खैर, वक्त बदलता गया, अथॉरिटीज ने काफी ज्यादा जांच पड़ताल की कि सावा को किसने मारा, क्योंकि उसे तो सिर्फ पुलिस ने घायल किया था और वो डेडली जख्म गर्दन पर आखिर उसे किसने दिया? इन सवालों का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। वैसे ये बात ही सन 1700 की और चूंकि ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित थी तो अर्ली 2010 में भी गवर्नमेंट ने इस जगह को और ज्यादा डेवलप करने का प्रोजेक्ट बनाया और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट भी बना दिया गया। पर सन 2012 में ही बहुत रहस्यमय तरीके से ये वाटर मिल ढह गई। आज भी जब साइबेरिया में कोई इस बात का जिक्र करता है तो लोगों की रूह कांप जाती है क्योंकि सावा के आतंक ने काफी वक्त तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अब भी सावा सेवनोविक के बारे में आप गूगल करो तो आपको काफी सारी रहस्यमय चीजें पता चलेंगी और सावा के सर्बिया में सबसे ज्यादा प्रचलित वैम्पायर होने की वजह से ऑफिशियल्स भी इस बात से डिनाई नहीं करते हैं और इसके इतने ज्यादा पॉपुलर होने के कारण इससे रिलेटेड काफी सारी मूवीज और नॉवेल्स भी बनी है। खैर, ये तो थी एक काफी प्रचलित वैम्पायर सावा सेवनोविक की पूरी कहानी।
पर अगर आपको यक्षिणी के बारे में जानना है और अगर आप चाहते हो कि वैम्पायर के और भी अर्बन लेजेंड्स को और पौराणिक कहानियों के बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में अर्बन लेजेंड लिख देना। और अगर आपको वैम्पायर वास्तविक जिंदगी में होते हैं या नहीं ये जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।